टेंथ क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल से मेजर किया इसको, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया और फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा हमने, वृत्त खींचा। ठीक हो गया, इस वृत्त को खींचने पर ये हमारा क्या हो गया, केंद्र बिंदु। अब आपसे कह रहा है एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर परस्पर क्या हो, झुकी हो। तो आपको मालूम है यहाँ से कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एक क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और ये उसके क्या हो गई, परिधि हो गई। दूसरा आप यहाँ से भी कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर इसके परिधि तक मिला देंगे, तो अब आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो कह रहा है परस्पर, तो हमने इनकी यहाँ पर से क्या करना है, 60 डिग्री का कोण इधर साइड को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी परिधि पर जो है, आपको पता है जब केंद्र से कोई त्रिज्या उसकी परिधि पर मिलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से बना रही हूँ, फिर यहाँ पर आप प्रकार का जो है नोक लेंगे, फिर एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे और एक चाप यहाँ पर काटेंगे, इसी चाप से एक बार आप ऊपर कट करेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार के नोक को और फिर एक चाप यहाँ से काट दिया। तो इसके जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनकी प्रतिच्छेद करते हैं, इनके बीच में से एक रेखा खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है। ठीक हो गया, फिर इसी प्रकार वही चाप आप यहाँ भी लेंगे, चाप को घटाना बढ़ाना मत, जो एक बार ले लिया है वही चाप आपने लेना है। फिर से यहाँ पर आप कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब हमने प्रकार यहाँ पर लिया, फिर यहाँ से एक चाप ये काटा, फिर प्रकार के नोक को यहाँ पर रखा और एक चाप ये काटा। इस प्रकार हमने क्या किया, इसी से एक बार चाप ऊपर काट दिया, फिर यहाँ पर प्रकार के नोक रखी और एक चाप यहाँ काट दिया। तो यहाँ पर भी हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो इसके बीच बीच में से आप लाइन खींचेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस प्रकार इस रेखा को आप आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम हो रही है तो मैंने यहाँ से भी लाइन आगे बढ़ा दी है और यहाँ से भी दोनों ओर से लाइन को आगे बढ़ा दिया है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पेज जो है छोटा हो रहा है, तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर पेज छोटा हो तो कॉपी को कैसे रखनी चाहिए, तिरछी रख लेनी चाहिए ना हमारी, क्योंकि कॉपी का साइज जो है चौड़ा कम है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, ये कॉपी मैंने जैसे एक पेज मैंने यहाँ से और बढ़ा दिया है, ये दोनों लाइन मैंने आगे बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पहले वाले से यहाँ से 90 डिग्री का ये बनाई, फिर उसके बाद यहाँ से भी हमारा कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करनी है। तो आपके पास चांदा होगा, आप देखिएगा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब इसकी रचना आप कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेकर एक वृत्त खींचा, फिर हमने क्या किया, केंद्र से दो त्रिज्याएँ एक OP और दूसरी OQ रेखा 5-5 सेंटीमीटर की खींची। पहले हमने सर्वप्रथम क्यू को केंद्र माना और क्यू से हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, फिर उसके 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस क्यू पॉइंट से एक रेखा खींची और हमने उसके बाद दूसरा पुनः पी उसी चाप से पी बिंदु से प्रकार की सहायता से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। इस प्रकार पी से भी एक रेखा खींची और पी तथा क्यू से खींची हुई रेखा को हमने बिंदु R तक लिया, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं और यहाँ पर जो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, रचना। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचे, कह रहा है कितने सेंटीमीटर, कह रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने क्या खींचा, AB खींचा है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचे, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त
तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ए बी बराबर उसने आपको 8 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड किया दिया है और ए से होकर हमसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। कहाँ से? ए से। और बी से होकर कितने सेंटीमीटर का कह रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई, फिर से कॉपी नहीं पेज छोटा ना पड़े इसलिए मैंने किस तरीके से बना रही हूँ, ऐसे तिरछे बना रही हूँ। आप लोग की अगर कॉपी छोटी है उसका पेज का साइज छोटा है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। सर्वप्रथम ए बी जो है 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ओके। और इसका नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पर, अब आप देखिए इसका नाम हमने ए और बी लिया है और ए से आपसे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। फिर यहाँ पर आप मेज़र करेंगे, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे, ठीक है, स्केल में इस तरीके से मेज़र करेंगे। ए पर प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से आपने एक वृत्त खींचा कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर आपसे कह रहा है कि बी पॉइंट से आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है तो बी पर आप प्रकार की नोक ली और यहाँ से आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा है, वृत्त खींचा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इतना करने के बाद ये जो ए बी रेखा है इसका लंबा अर्धक करेंगे। लंबा अर्धक कैसे करते हैं, एक बार आप बी पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक बार ए पर। बी पर मैंने जब प्रकार की नोक ली तो आधे से अधिक का चाप लेते हैं, ये मैं आप लोगों को छोटी क्लास में ही पढ़ा के आई हूँ, है ना, और आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर से मैंने इसका लंबा अर्धक किया, आधे से अधिक का चाप एक बार ऊपर कट किया और उसी पॉइंट से एक चाप कहाँ काटा, नीचे। ठीक, फिर उसके बाद इसी चाप को छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, आपने कहाँ पर लिया, ए पर लिया और एक चाप ऊपर को कट कर दिया और एक नीचे को। दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनके मिड में से एक लाइन ड्रॉ करी और जो कि इस ए बी रेखा का क्या होगा, लंब अर्धक यानी कि बाइसेक्टर, इट मीन्स वो उसको दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। इस पॉइंट का नाम आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, सी। ओके, अब हमने सी पर प्रकार की नोक ली और सी पर आपने प्रकार की नोक रखते हुए एक वृत्त ऐसा खींचा जो ए और बी दोनों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर ए से तथा बी से होकर एक वृत्त हमने लिया, दोनों जो है यहाँ पर इस क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए। अब आप देखिए यहाँ पर से ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको इस प्रतिच्छेद कर रहा है और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या आपने क्या करा, यहाँ से इस पॉइंट के लिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी। ठीक, इस प्रकार एक बार आपने यहाँ पर ये दोनों वृत्त यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे ए से। फिर हम कहाँ से भी खींचेंगे, बी से भी, दोनों ओर से हमने स्पर्श रेखा खींचनी है। अब बी पर प्रकार की नोक रखेंगे तो एक स्पर्श रेखा आप यहाँ से खींचेंगे, ठीक हो गया, और फिर एक स्पर्श रेखा आप कहाँ से खींचेंगे, यहाँ बी से इस पॉइंट के लिए, तो इसके नाम भी लिख लेंगे। इस प्रकार हमारे स्पर्श रेखाओं की क्या हो गई है, रचना हो गई बी से होकर भी और ए से होकर भी। ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या, जैसे ए बी सी, इस पॉइंट का नाम हमने डी, इसका नाम क्या लिया ई और इसका नाम पी और इस पॉइंट का नाम यहाँ पर क्या लिया हमने क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर दी, इसकी रचना करी है। क्या किया समझ में आया, सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर की खींची। अब हमने सर्वप्रथम ए बी 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, फिर ए पर प्रकार की नोक रख के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और बी पर पुनः प्रकार की नोक रख करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऐसी रचना भी लिखनी है आपको। फिर ए बी का लंबा अर्धक किया, पहले हमने बी पर एक प्रकार की नोक रखी और आधे से अधिक का हमने चाप लिया, एक चाप हमने ऊपर की ओर काटा और एक चाप नीचे की ओर। पुनः उसी चाप को हमने कहाँ पर रखा, प्रकार की नोक को ए पर रखा, एक चाप ऊपर की ओर एक चाप नीचे, दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उनके मिड में से एक लाइन क्या कर दी हमने, ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जहाँ पर वह ए बी का लंबा अर्धक करेगा उस पॉइंट का नाम मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी सी।
अब सी पर प्रकार की नोक ली, जो ए तथा बी को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया है ना, और ये वृत्त जो है पहला वाला जो वृत्त जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है उसको भी प्रतिच्छेद करता है, तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को भी क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उनके बिंदु क्रमशः डी ई पी क्यू के अंदर, ठीक है। तो बी से होकर खींची गई स्पर्श रेखा बी क्यू तथा बी पी, और ए से होकर स्पर्श रेखा ए डी तथा ए ई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसकी क्या करनी है, रचना करनी है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊँ।